अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ सोया कीमा की रेसिपी, ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी। सोया कीमा बनाइए, बहुत इजी तरीके से बताऊँगी सोया कीमा आप किस तरह से घर पे बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैं इसमें सोया ग्रैन्यूल्स यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो साबुत भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होता है कि पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पहले ही से चूर रहता है। आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने इधर पानी बॉईल कर लिया है, अब इसमें बस इसमें सोया ग्रैन्यूल्स को ऐड कर देंगे कि अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे 2-3 मिनट कि अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। बॉईल करते वक्त इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर रही हूँ। दो तीन मिनट हो गया है, गैस ऑफ करते हैं और इसे छान लेते हैं, स्ट्रेन कर लेते हैं। देखिए ये कितना एकदम सॉफ्ट हो गया है, इसे स्ट्रेन कर लेते हैं और अच्छी तरह से ठंडे पानी से इसे धो लेंगे, वॉश कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया और कुछ गरम मसाला लिया है, जीरा 1 टीस्पून, छोटी सी दालचीनी, 2-4 पीस लौंग, 7-8 पीस काली मिर्च और 2 छोटी इलायची। सबसे पहले जो गरम मसाला लिया है इसे इसमें ऐड कर देंगे, तड़कने देंगे। ये 3 प्याज है जिसे मैंने महीन चॉप किया हुआ, इसे ऐड कर देंगे। हल्का कलर चेंज होने तक इसे फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का कलर चेंज करना है। व्यूअर्स, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। और ये ग्रीन चिली है, इसे ऐड कर देंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट उसे ऐड कर देंगे। 2-3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे कि कच्चापन निकल जाए। अदरक लहसुन को 2-3 मिनट मैंने भून लिया है। ये मैंने 2 टमाटर लिया है, उसको मैंने महीन चॉप कर लिया था, आप चाहे तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से डाल के 2-3 मिनट भून लेंगे। ये अच्छी तरह से भुना गया, ये कोई ड्राई मसाला है उसे ऐड कर देते हैं। रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, हल्दी 1/2 टीस्पून से कम थोड़ा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के, जीरा पाउडर, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाला अच्छी तरह से भुना गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिक्स करेंगे। इसे कवर करके अच्छी तरह से सॉफ्ट होने तक मसाला कुक कर लेंगे। ये मसाला अच्छी तरह से भुना गया है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बीच बीच में मैं मसाला को चलाती रहती हूँ, इसे इस तरह से मैश किया था कि टमाटर और मसाला एक जगह एक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसे जो मैंने स्ट्रेन किया था अच्छी तरह से, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, इसे ऐड कर देंगे और इसे 3-4 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मसाला के साथ ऑयल में इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, पहले हाई फ्लेम पे और बीच बीच में चलाते रहेंगे कि नीचे से सटे नहीं। मैंने 2 मिनट इसे हाई फ्लेम पे फ्राई किया, उसके बाद मैंने गैस को मीडियम कर दिया है। जितना अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे उतना अच्छा खाने में लगता है, इसलिए मैं 2-3 मिनट और इसे अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। ग्रैन्यूल्स से कीमा बनाने का ये फायदा होता है कि मुझे पीसना नहीं पड़ता, झंझट नहीं पड़ता, बस आसानी से बॉयल किया और कीमा रेडी। अच्छी तरह से ये भुना गया है, 3-4 मिनट मैंने भुना, पानी ऐड करेंगे इसमें, अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इस तरह से रहेगा, इसे कवर करके 7-8 मिनट कुक करेंगे। ये अच्छी तरह से पक गया है, अब इसमें कुछ मसाला उसे ऐड कर देते हैं, धनिया पत्ती, कस्तूरी मेथी और ग्रीन चिली, इस तरह से इसे डाल देंगे।
वन टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऊपर से करेंगे। अब पहले भी ऐड कर सकते थे, बाद में डालने से खुशबू इसमें रह जाती है, इसलिए मैंने ऐड किया। इसे अच्छी तरह से एक दो मिनट और भून लेंगे हाई फ्लेम पे। इसे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में सर्व करेंगे। वन टी स्पून इसमें घी ऐड करेंगे ऊपर से, आप बटर भी ऐड कर सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है। घी का तड़का लगाएंगे इसमें, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है इससे। बस आइए इसे डिश आउट करते हैं। कितना ज़बरदस्त कीमा तैयार हुआ, आइए इसे डिश आउट करके दिखा। देखिए ज़बरदस्त सा सोया कीमा बन के बिल्कुल रेडी है। आप इसे पराठा के साथ या पाव के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगता है खाने में, ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ट्राई ज़रूर करें। बहुत मस्त रेसिपी और खाने में बहुत मज़ेदार और हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।